joint stock companies collect a fund by issuing ownership fund, ownership securities like equity share, preference shares. They also collect fund by borrowing from the market, and for that they issue the debentures, bonds. Even they take the loans from the banks and financial institutions. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है. एंड वी ऑल आर अवेयर दैट कैपिटल इज नथिंग बट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर. बट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल देन वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फंड. हियर वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ द बोरोड फंड. अच्छा, वर्ड यहाँ पे कॉस्ट लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग है. इट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट बिकॉज फ्यू मिनट्स बिफोर वी हैव कंप्लीटेड द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट. सो यू मे थिंक दैट इट इज द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नो, इट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ फाइनेंशियल रिसोर्सिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. In the unit number one, we have covered that a finance manager has to take three important decisions, like financing decision, जिसका मतलब होता है कहाँ से फंड कलेक्ट करना है, रुपया बिजनेस में आएगा कहाँ से, investment decision. Investment decision में होता है कि whatever fund they have collected, where it would be invested, in which asset the investment would be made. Then dividend decision. What amount of profit will be distributed as dividend and what amount of profit will be kept as a reserve in a business. कितना profit dividend के तौर पे owners को दिया जाएगा और कितना profit business में रखा जाएगा for the future purposes. फिर working capital decision भी आता है. ऐसे बहुत सारे decisions आते हैं, but three main decisions: financing decision, investment decision, and dividend decision. So in this subject, we talk about the fund, we talk about the finance, how to manage it. तो जब हम कहीं से भी रुपया कलेक्ट करेंगे, अगर कंपनी कहीं से भी फंड कलेक्ट करती है तो वो फ्री में नहीं आता है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉस्ट लगता है. अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक आपको फ्री में पेमेंट नहीं कर रही है, फ्री में फंड नहीं प्रोवाइड कर रही है, बदले में आपको उसको इंटरेस्ट देना होता है. अगर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से आप अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो, फंड कलेक्ट कर रहे हो, तो उनको भी बदले में कुछ रिटर्न देना होता है जो डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है. डिबेंचर अगर आप इश्यू करते हो तो उनको इंटरेस्ट देना होता है. बैंक से लोन लेते हो तो इंटरेस्ट देना होता है. तो जो भी फंड कलेक्ट किया जाता है उसके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट लगा होता है. फंड इज नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द मार्केट. आपका खुद का पैसा बिजनेस में लगाते हो सो वहां पे भी आप सोचोगे कि वही अमाउंट अगर आपने दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको वहां से कुछ रिटर्न मिलता, जो यहाँ पे खुद के बिजनेस में लगाने से आपको नहीं मिला है. तो वो है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यू हैव लॉस्ट वन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन अदर एंटरप्राइज एंड यू हैव इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन योर ओन बिजनेस. तो इसमें भी तो कॉस्ट है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड हाउ टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझ लेते हैं. स्लाइड बदल रहा है, जरा मुझे बताओ क्या स्लाइड चेंज हुआ.
लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हाँ 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 हुआ था। ओके फर्स्ट सेकंड स्लाइड चल रही है, सेकंड स्लाइड। ओके थैंक यू। तो सी इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल लर्न, ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन हियर, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या समझोगे, व्हाट थिंग यू विल लर्न। तो यहां पे आपको ये पहले तो पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है पहले तो वो समझेंगे हम। किस तरीके से कॉस्ट ऑफ डेट दैट इज डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर फाइन करना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे फाइन करना है वो हम समझेंगे, और इन सभी का एवरेज जो कॉस्ट होता है जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कैसे फाइन करना है, विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट वी विल अंडरस्टैंड। सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर यू विल कम टू नो ऑल दिस। तो हम स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले तो मीनिंग से कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो देखो कोई भी इंसान अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है, किसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करता है या तो डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करता है कोई पर्सन, तो उसका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे इस कंपनी से इतना रिटर्न मिलना चाहिए, मेरे इस इन्वेस्टमेंट में से मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। वो जो रिटर्न उसका एक्सपेक्ट करता है मिनिमम इतना मिलना चाहिए, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज सिंपल मीनिंग। So the cost of capital is the minimum rate of return expected by the investors। ये बात हो गई किसी individual investor के लिए, but we are talking about the enterprise, we are talking about the joint stock company। तो joint stock company को किसी एक को cost नहीं देना होता है, उसने debenture से भी पैसा collect किया होता है, equity से भी पैसा लिया होता है, preference share से भी रुपया लिया होता है, इन सबका एवरेज कॉस्ट जो वो फाइंड करेंगे उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे, और उसके वेटेड एवरेज मेथड से फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है वो आगे हम देखेंगे, इसी चैप्टर में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट, इन सबका एवरेज निकाला जाएगा ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर्स एटसेट्रा। So whenever I talk about the cost of capital, then it is the weighted average cost of capital. So the concept of cost of capital is very important in the financial management because decision to invest in a particular project depends upon the cost of capital of the firm, जिसको cut off rate भी बोला जाता है, and which is the minimum rate of return expected by the investors. तो company पैसा लगाती है projects में, तो उस प्रोजेक्ट्स में जो मिनिमम रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो मिलना ही चाहिए, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वन डेफिनेशन इज गिवन बाय द सोलोमन एज़रा, व्हाट ही सेड, cost of capital is the minimum required rate of earning or the cut-off rate of capital expenditure। मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी ने मान लो 10,000 करोड़ रुपीस कहीं पे इन्वेस्ट किया किसी प्रोजेक्ट में, तो इस प्रोजेक्ट में इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने से उनको कितना मिनिमम रिटर्न मिलेगा, या तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है कि इतना इन्वेस्ट करने से इतना रिटर्न मिनिमम मिलना ही चाहिए, इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो अर्निंग है तो ये कॉस्ट कहां से हो गया, ये तो अर्निंग है कि हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अर्निंग होगा, तो इसको कॉस्ट क्यों कहा जाता है। तो देखो व्हाट एवर अमाउंट वी अर्न, फ्रॉम दैट अमाउंट ओनली वी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, बैंक लोन इंटरेस्ट। तो उनको जो हमें रिटर्न देना है, क्योंकि पैसा हमारा खुद का नहीं लगा है, दूसरों का पैसा हमने लगाया है बिजनेस में, तो उनको जो रिटर्न देना है
उसके लिए हमें उतना मिनिमम रिटर्न मिलना चाहिए। जैसे कि मुझे मान लो एक साल में 1,00,000 रुपया किसी को देना है क्योंकि मैंने उसका पैसा यूज किया है, तो मेरे बिजनेस में से मुझे मिनिमम 1,00,000 तो मिलना ही चाहिए ताकि मैं वो पेमेंट कर पाऊं। अगर मैं आपसे मान लो 10,00,000 रुपया लेता हूं और हर साल मुझे आपको 1,00,000 रुपया वापस देना है, इंटरेस्ट 1,00,000 रुपया इंटरेस्ट देना है 10,00,000 के पीछे, तो मेरे को उस 10,00,000 के इन्वेस्टमेंट से मिनिमम 1,00,000 का रिटर्न तो मिलना ही चाहिए ताकि मैं मेरी कॉस्ट कवर कर पाऊं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो हियर डेफिनेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग, मिनिमम अर्निंग विच वी शुड हैव सो दैट वी कैन मेक द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट डिविडेंड एटसेट्रा टू द डिफरेंट प्रोवाइडर्स ऑफ फंड। अब यहां पे दो वर्ड से दिए, एक तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सभी कंपनीज में ऑलरेडी एक कैपिटल पहले से होता है, एग्जिस्टिंग कैपिटल जिसे बोलेंगे, और उनका बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या तो मॉडर्नाइजेशन करने के लिए या तो किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए उनको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है जो मार्केट से वो कलेक्ट करना चाहते हैं। तो दो चीजें हैं, ऑलरेडी एक कैपिटल है उनके पास कलेक्ट किया हुआ, दूसरा वो मार्केट से कलेक्ट करना चाहते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, जो एग्जिस्टिंग फंड अवेलेबल है, उसकी जो कॉस्ट है उसे बोलेंगे कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लो मेरी कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल है 5,000 करोड़ और इस 5,000 करोड़ की जो कॉस्ट मुझे हर साल पे करनी पड़ती है वो है मेरा कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? तो आपको नया प्लान स्टार्ट करना है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है। वो एक्स्ट्रा फंड की जो आपको जरूरत है वो किस कॉस्ट में आएगा, उस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, That is the projected cost of capital. So projected cost of capital is the rate of return expected by the capital provider for the new project or new investment that company proposes to undertake. So दो चीजें हो गई, present cost, मान लो debenture से हमने पैसा collect किया है 9% interest दे रहे हैं, so that is the present cost. Future में हमें दूसरे पैसों की जरूरत है, नए debenture issue करने वाले हैं, नए डिबेंचर इश्यू करेंगे तो उसपे मान लो हमें 11% इंटरेस्ट देना है, या तो 11% का इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर मांग रहे हैं, तो दैट मिनिमम 11% वी हैव टू अर्न फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट सो दैट वी कैन कवर दिस कॉस्ट, दैट इज द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एग्जिस्टिंग और न्यू, ये दो वर्ड्स आप याद रखोगे तो इसका डिफरेंस समझ में आएगा। Now one by one we are taking different cost of capital. So there are different sources of fund like debenture, equity share, preference share. So hum sabse pehle lete hain debenture. Debenture ki cost ko bola jayega cost of debt. Acha isko kis tarike se find karna hai? To is formula ko samajhne se pehle kuch important cheeze main aapko bata de dun, aap formula aap easily samajh paoge. देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो हमें बोला है तो वो है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। पहली बात तो डिबेंचर होता है क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स। जो लोग डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कंपनी इंटरेस्ट देती है। अब डिबेंचर का एक मेन बेनिफिट ये है कि कंपनी जब डिबेंचर से पैसा कलेक्ट करती है तो इंटरेस्ट फिक्स होता है, जैसे कि 9% की डिबेंचर है तो एवरी ईयर 9% इंटरेस्ट देना है। दूसरा बेनिफिट यहां पे होता है डिबेंचर का कि डिबेंचर से अगर आप पैसा कलेक्ट करते हो तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया आपने दैट इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड दैट एक्सपेंस इज अवेलेबल एज ए डिडक्शन इन द इनकम टैक्स।
आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो आपके एक्सपेंस में काउंट होगा और वो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कम करेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप इंटरेस्ट लिखोगे, एक्सपेंस बताओगे, जितना एक्सपेंस ज्यादा बताओगे उतना आपका प्रॉफिट कम दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा तो टैक्स भी उतना कम देना पड़ेगा। तो यहां पे टैक्स में बेनिफिट हो रहा है, नो डाउट वी हैव टू पे इंटरेस्ट बट इट गिव्स द बेनिफिट ऑफ टैक्स। जैसे आप लोग सारे इनकम टैक्स पे करते होगे तो आप सबको पता होगा कि अगर हमने LIC में इन्वेस्टमेंट किया है और LIC का प्रीमियम पे करते हैं तो ये प्रीमियम जो है हमें डिडक्शन मिलता है उसका, ATC के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है, तो उतना हमें टैक्स पे कम करना पड़ेगा क्योंकि उतना हमारा जो इनकम है कम दिखेगा, जितना डिडक्शन मिलेगा उतना। तो यहां पे भी वही चीज है कि अगर इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है डिबेंचर को तो उनको टैक्स में बेनिफिट होगा, तो टैक्स बेनिफिट को यहां पे ध्यान में लिया गया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डिबेंचर दैट डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडेमेबल आफ्टर फ्यू इयर्स। डिबेंचर्स क्रेडिटर्स होते हैं, उनका पैसा कुछ सालों के बाद वापस करना होता है कंपनी को। अगर कंपनी ने आज डिबेंचर इश्यू किया है 5 साल के लिए तो 5 साल के लिए वो अमाउंट यूज करेगी कंपनी, बाद में जो अमाउंट कलेक्ट की है डिबेंचर होल्डर्स को वापस की जाएगी। अगर मैंने 100 रुपया कलेक्ट किया है तो 5 साल के बाद 100 रुपया वापस करूंगा। सो डिबेंचर की अमाउंट रिडीम करनी होती है, वापस देनी होती है। अब उसमें भी अलग अलग पॉइंट आते हैं, 100 कलेक्ट किया है 100 वापस किया तो इसको बोलेंगे इश्यूड एट पार रिडीम्ड एट पार। 100 रुपया में इश्यू किया डिबेंचर और 100 रुपया वापस किया 5 साल के बाद, 5 साल तक हम उसको इंटरेस्ट देते रहे। दूसरा आता है इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, मतलब 100 रुपया कलेक्ट किया और जब वापस करने का टाइम आया तो कुछ ज्यादा वापस किया, जैसे कि 10% प्रीमियम से वापस किया तो 100 का 10% होगा 10, तो इसमें ऐसा होगा कलेक्शन 100 का किया डिबेंचर होल्डर से और वापस देने का आया तो उसको 110 रुपया वापस किया, इसको बोलते हैं इश्यू डेट पार रिडीम डेट प्रीमियम। तो ये जो रिडम्पशन का वैल्यू है जो हमें वापस करना है वो अलग अलग होगा, कभी 100 रुपीज आएगा कभी 110 आएगा, तो वो चीज भी मायने रखती है क्योंकि आप 100 रुपया कलेक्ट करके 110 वापस कर रहे हो तो 10 रुपया आपकी कॉस्ट लगी, आप लोगों को इंसेंटिव दे रहे हो कि आज आप हमको एक डिबेंचर का 100 रुपया दो, 5 साल बाद हम जब आपको वापस करेंगे तो 110 देंगे, तो इस वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये 10 रुपया ज्यादा जो हमने किया वो भी एक कॉस्ट है। तो जब हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की बात कर रहे हैं तो हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो हमें उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है हर साल, दूसरा डिबेंचर का हम रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं, एट पार कर रहे हैं या एट प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम से कर रहे हो तो आप कुछ वापस ज्यादा दे रहे हो तो वो भी एक हमारी कॉस्ट बनती है, और तीसरा कि इस डिबेंचर को इश्यू करने से हमें टैक्स में कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये 3 चीजों को ध्यान में रख के यहां पे फॉर्मूला बनाई हुई है। तो देखो किस तरीके से फाइन कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, 2 तरह का डिबेंचर होता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर की अमाउंट कुछ सालों के बाद कंपनी वापस कर देती है, तो हम अभी बात कर रहे हैं रिडीमेबल डिबेंचर की, मतलब यहां पे एक चीज तो फिक्स हो गई, 5 साल या 10 साल के बाद अमाउंट रिडीम करना है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जिसके लिए शॉर्ट फॉर्म है KD, के इंडिकेट्स कॉस्ट, डी इंडिकेट्स डिबेंचर, इज इक्वल टू आई इंडिकेट्स इंटरेस्ट जो हमें डिबेंचर पे देना है। अब जब हम इंटरेस्ट दोगे तो टैक्स में बेनिफिट होगा, इसलिए ब्रैकेट में दिया है 1-t। अगर मैं 1 रुपया कलेक्ट करता हूं और मान लो टैक्स का परसेंटेज 30% है तो 1 रुपीज के ऊपर 30% टैक्स लगेगा 0.30,
तो 1 माइनस टी आएगा मेरा 0.70। तो टैक्स बेनिफिट होता है इसलिए 1 माइनस टी यहां पे मल्टीप्लाई किया है इंटरेस्ट के साथ, प्लस रिडम्पशन वैल्यू, जो 5-10 साल बाद इनका पैसा वापस करोगे वो रिडम्पशन वैल्यू है, उसमें से नेट प्रोसीड माइनस कर दिया। नेट प्रोसीड मतलब हमें अभी कितना मिला है, जैसे कि मैंने बोला 100 वाला डिबेंचर 110 में वापस करना है 5 साल बाद, तो अभी मुझे 100 रुपीज मिलेगा, वो नेट प्रोसीड है। 5 साल बाद 110 वापस करना है, वो रिडम्पशन वैल्यू है। तो यहाँ पे ऐसा आएगा 110 माइनस नेट प्रोसीड 100 डिवाइडेड बाय एन, एन मीन्स 5 इयर्स, जो भी साल दिए 5 साल 10 साल जो भी दिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। तो होगा क्या, यहाँ पे जो 10 रुपये का कॉस्ट आ रहा है हमारा, जो 10 रुपये हम ज्यादा वापस कर रहे हैं उसको 5 सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दो तरह की कॉस्ट है, ऊपर ही अगर फॉर्मूला सही से समझो तो ऊपर एक इंटरेस्ट का कॉस्ट दिया है और दूसरा यहाँ पे कॉस्ट दिया है जो हम वापस करते टाइम ज्यादा रुपया देते हैं। और टैक्स इसलिए लिया है क्योंकि इंटरेस्ट से हमें टैक्स में बेनिफिट होगा। द होल इज डिवाइडेड बाय द एवरेज ऑफ रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज निकलेगा। यहां पे जितने भी आपको वर्ड्स दिए हैं शॉर्ट फॉर्म्स, उसका फुल फॉर्म नीचे दिया है। आई मतलब इंटरेस्ट पेमेंट है इसमें, एनपी मतलब नेट प्रोसीड, जब आप डिबेंचर इश्यू करते हो तो आपको जो पेमेंट मिलता है एक डिबेंचर का वो है। आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू, 5-10 साल बाद रुपया वापस करोगे तो क्या रिडीम करना है वो है आरवी। टी है टैक्स रेट एंड एन है लाइफ ऑफ डिबेंचर, जैसे 5 साल 10 साल क्वेश्चन में दिया होगा। तो अगर आप इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझे हो तो एक एक्सरसाइज लेते हैं और समझने का ट्राई करते हैं। अभी हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पे ऊपर है, अ कंपनी इश्यूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1st April 2017 to be matured on 1st April 2022. अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं, 10% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है, एक डिबेंचर का ₹100 भाव है, मतलब अभी आप इश्यू करोगे तो आपको ₹100 मिलेगा, कंपनी को 100 मिलेगा, इन्वेस्टर ₹100 कंपनी को दे रहा है, जितना डिबेंचर खरीदेगा उससे 100 मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं 5 खरीदूंगा तो मैं ₹500 दूंगा, अगर 10 खरीदूंगा तो 1000 दूंगा। अच्छा, प्रीमियम से इश्यू किए है, मतलब 100 वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम से, मतलब 110, तो यहां पे कंपनी ज्यादा प्राइस ले रही है। 10 वाले डिबेंचर का 100 वाले डिबेंचर का ₹110 लेगी। अब कंपनी क्यों ऐसा कर सकती है, जब उसकी मार्केट में रेप्यूटेशन हो, लोगों को पता है कि प्रॉफिटेबल कंपनी है तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ही, इसलिए कंपनी क्या करेगी, उसका बेनिफिट लेगी। ₹100 वाली डिबेंचर 110 में बेच रही है यहाँ पे कंपनी, तो इसका नेट प्रोसीड 110 आएगा। और पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है कि वापस कितना करना है, तो वापस तो हम करेंगे ओनली 100। ये हो गया इश्यूड एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार, 110 में इश्यू किया वापस किया तो ₹100, तो कंपनी को यहाँ बेनिफिट हो रहा है ₹10 का। अच्छा, टाइम पीरियड दिया है 2017 में इश्यू किया अप्रैल को और वापस कर देंगे 2022 में, तो यहाँ पे 5 साल का ये पीरियड है, 17 से लेके 22 आप काउंट करोगे तो 5 इयर्स आएगा। तो ये डिबेंचर का अमाउंट कंपनी के पास 5 इयर्स के लिए रहेगा। अब चलो इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं। तो देखो, इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे लगता है, ₹100 का डिबेंचर है उसका 10% निकालोगे तो ₹10 आएगा, 100 का 10% होगा 10, तो नीचे कुछ वर्किंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% ऑफ 100 तो ₹10 आएगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू,
यहां पे फेस वैल्यू 100 है, नेट प्रोसीड 100 वाला डिबेंचर हम 10% प्रीमियम से बेच रहे हैं तो हमें मिलेगा 110, 100 रुपया तो मिलेगा ही, 10 रुपया ज्यादा मिलेगा, 100 का 10% तो होगा 110। रिडम्स कितना करना है, भले 110 कलेक्ट किया है वापस तो 100 रुपया ही देंगे हम डिबेंचर होल्डर को, हमारी रेप्यूटेशन है उसका यूज कर रहे हैं। इससे रिवर्स केस भी होता है, कंपनी 100 में इश्यू करती है वापस करती है 110, जब कंपनी का रेपुटेशन कम होता है लोग उसके ऊपर उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा भी होता है। हमारे केस में हमारी कंपनी स्ट्रांग है, हम प्रीमियम से इश्यू कर रहे हैं और वापस करेंगे 100 रुपया, तो ये 10 का बेनिफिट होगा हमें। पीरियड 5 साल का है, टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है आपको 35%, तो टैक्स में बेनिफिट होगा हमें क्योंकि जो भी इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो हमको टैक्स उतना कम देना पड़ेगा। सो इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आप देख सकते हो फिर से फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर KD इज इक्वल टू I(1-T) प्लस RV-NP डिवाइडेड बाय N, नीचे है RV+NP डिवाइडेड बाय, नीचे एवरेज है, ऊपर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड का। तो आप देखो इंटरेस्ट 10 रुपया लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज 10 रुपीज, 1-T तो 1-0.35, एक का 35% होता है 0.35, 1 रुपये का 35% 1-0.35 प्लस रिडम्पशन वैल्यू हमें पता है 100 रुपया वापस करेंगे, नेट प्रोसीड अभी ने अभी देखा 110 मिलने वाला है, एन 5 साल है, द होल इज डिवाइडेड बाय RV 100 रुपया, नेट प्रोसीड 110, उसका एवरेज इसलिए डिवाइडेड बाय 2, नीचे हम एवरेज निकाल रहे हैं रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड का, ऊपर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड का और उसको 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो अब 1 में से 0.35 जाएगा तो बचेगा 0.65, तो 10 × 0.65 प्लस 100 − 110 तो -10 आएगा, -10 इज डिवाइडेड बाय 5, व्हेन यू डिवाइड -10 बाय 5 यू गेट -2, तो डायरेक्ट आपको -2 दे दिया है। नीचे वाला पोर्शन लोगे तो 100 + 110 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 105 एवरेज। अब इसका फाइनली हमको आंसर मिल रहा है 10 इज मल्टीप्लाई बाय 0.65 तो 6.5 आएगा, 6.5 माइनस 2 सो यू विल गेट 4.5, दिस 4.5 इज डिवाइडेड बाय 105 सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 0.0428। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.28। तो देखो यहाँ पे हम डिबेंचर तो 10% से इश्यू कर रहे हैं पर हमें यहाँ पे बेनिफिट्स हो रहे हैं, कौन सा बेनिफिट, एक तो टैक्स वाला बेनिफिट हो रहा है, दूसरा बेनिफिट 100 रुपया कलेक्ट किया, सॉरी 110 कलेक्ट किया पर वापस तो 100 करेंगे तो 10 रुपये का ये बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हमारी कॉस्ट भले दिखती हो 10%, दिखता है इंटरेस्ट 10%, पर रियलिटी में हमको इंटरेस्ट लग रहा है खाली 4.28। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आप इस बैंक को समझ जाओगे कि बैंक हमको बोलती है कि 0% इंटरेस्ट, उसमें भी उनको इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि प्रोसेसिंग का पैसा हमसे ले लेती है, 1 लाख का लोन लोगे तो उसमें से कुछ अमाउंट कट करके वो देते हैं, तो ये सारी चीजें वो इंटरेस्ट के फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर प्रोवाइडिंग फंड, 0 cost। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलना चाहिए कि जो कॉस्ट दिखता है वो होता नहीं है। क्वेश्चन में तो ऐसा बोला है 10% का डिबेंचर तो हमें लगेगा 10% कॉस्ट है इंटरेस्ट का, बट नहीं, रियलिटी में वो खाली 4.28% है। क्यों ये कम हो गया, क्योंकि कंपनी इसमें दूसरी चीजें भी देख रही है कि हमको टैक्स बेनिफिट हो रहा है, हम 110 कलेक्ट कर रहे हैं पर वापस तो 100 ही दे रहे हैं तो उसमें भी एक बेनिफिट हुआ, इन सारी चीजों को निकाल के ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है उनका 4.28। ओके, चलो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेल मी।
समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? एनी डाउट इन दिस? सुन ही नहीं रहे हो आप लोग? Any doubt in this question? Hello, am I audible? Is there any doubt in this question? Okay, so